नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का विशेष कार्यक्रम इंडियन जायका और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको तमाम तरीके की स्वादिष्ट व्यंजनों से रूबरू कराते हैं और नई नई जगह लेकर जाते हैं और वहाँ के स्वाद से आपको परिचित कराते हैं। तो आज हम आ गए हैं हाथरस सदर कोतवाली के पास स्थित गौरी मिठास पर और जानेंगे यहाँ के मिठाई में क्या है मिठास और यहाँ के नाश्ते में क्या कुछ है खास। तो आइए चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ है खास। हम आ गए हैं यहाँ पे गौरी मिठास में अंदर और सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या नाम है आपका। मुकेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये आपका ये जो यहाँ पे प्रारंभ किया है आपने, एक नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत की, ये कब से शुरुआत की? ये से अभी केवल 3 महीने हुए हैं। 3 महीने दिवाली से पहले ये चालू किया है, मतलब एक शहर की जनता को एक नया कुछ देने के लिए सोचा है, जबकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था वो भी चल रहा है, ये नया शहर के देने के लिए सोचा है। चलिए अब हम बात ज़्यादा ना करते हुए सबसे पहले हम जो है नाश्ते पर चलते हैं और टेस्ट करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे गुप्ता जी से और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां की हैं इन्होंने यहाँ के हाथरस के लोगों के लिए खाने पीने को लेकर। पहले चलते हैं नाश्ता देख लेते हैं, नाश्ता टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ है खास। चलिए देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर बाहर जो है क्या कहते हैं जलेबियाँ सिक रही हैं और बेड़ही सब्जी यानी कि जो पूड़ी होती है जो आपकी मसालेदार पूड़ी, वो बेड़ही और सब्जी यहाँ पे तैयारी है। साफ़ सुथरा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है, बालों पे जैसे आपके जो पूरे कवर किए गए हैं, मास्क लगाया गया प्रॉपरली जिससे कि हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस कोरोना काल जो अभी जिस दौर से हम लोग गुजर कर आए हैं वहाँ पे हाइजीन सबसे महत्वपूर्ण है, तो साफ़ सफाई और जो है इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया। चलिए हम लोग अब लेते हैं, टेस्ट करते हैं। अब हमारे सामने ये आ गया है बेड़ही सब्जी रायता और जलेबी, तो हम लोग बेड़ही सब्जी रायता और जलेबी को अब टेस्ट करेंगे। मास्क उतार लिया है मैंने और अब हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है खास यहाँ पर। सबसे पहले हम बेड़ही सब्जी की बात करें, जो ये बेड़ही है आपकी और ये सब्जी है जिसमें सूखी सब्जी और रसीली सब्जी दोनों मिक्स हैं एक ही जगह पर, और ये रायता है। तो अब हम लोग इस स्वाद को टेस्ट करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्रिस्पी एकदम करारी सिकी हुई हैं, ये देखिए बढ़िया करारी सिकी हुई आपकी बेड़ही और ये देखिए सब्जी। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या स्वाद है इसमें। वाकई में बहुत ही उम्दा, यानी कि एक तो बेड़ही का जो करारापन, वो सौंधी महक और जो सब्जी है उसमें हींग अलग ही अपना कुछ प्रभाव छोड़ रही है, बहुत ही बढ़िया, ना बहुत ज़्यादा तीखी ना सादा। हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा बेड़ही बहुत जगह ऐसी भी बनती हैं जहाँ पे उसकी जो सब्ज़ी होती है वो हद से ज़्यादा तीखी होती है, मसालेदार होती है। मसालेदार नहीं है, बिल्कुल एक मीडियम मसाला है और इसको हम लोग और अभी टेस्ट करके देखेंगे। वाकई में बहुत जगह हम लोगों ने बेड़ही सब्जी खाई है लेकिन यहाँ की बेड़ही सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। अगर बात करें, अलग टेस्ट नज़र आ रहा है, जो सब्जी की ग्रेवी है वो बहुत बढ़िया है, जो सूखी सब्जी है वो भी बहुत बढ़िया है। रायता हम लोग टेस्ट करते हैं कि रायते में क्या कुछ खास है। रायते में भी हींग का टेक्सचर आ रहा है, रायता भी बहुत अच्छा बना है, बहुत उम्दा है और इसके साथ अब ये देखिए जलेबी, यानी कि आपके नाश्ते का पूरा हैप्पी एंडिंग तभी होती है जब कुछ मीठा होता है साथ में। तो क्रिस्पी सी जलेबी है, बढ़िया सिकी हुई जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब इस जलेबी को हम लोग टेस्ट करेंगे और इस स्वाद को परखेंगे
बिल्कुल करारा बना, मीठा भी बिल्कुल सेलेक्टेड मीठा, बहुत ही ज़्यादा उम्दा। वाकई में यहाँ पे आकर एक बार इस स्वाद को चखने की ज़रूरत है। आइए एक बार आके यहाँ पे स्वाद को चखिए। जो बेड़ही का सब्जी का स्वाद है, रायता साथ में, और जो आप देख पा रहे हैं जलेबी। चलिए अब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब हम लोग जानते हैं कि गौरी मिठास के अंदर बर्फियों में और बाकी आइटम में क्या क्या मिठास छिपी हुई है, उनके बारे में जानते हैं। गुप्ता जी, ज़रा हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ मौजूद हैं, लगभग कितनी तरीके की मिठाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय मिठास के पास 80 तरह की वेराइटी मिठाइयों में है। 80 बहुत बड़ी एक संख्या है, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप, बड़ी रेंज यानी कि विस्तृत रेंज है। अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उनमें खासियतें हैं, थोड़ा उनके जानना चाहेंगे। जैसे ये खोआ की बर्फ़ी वगैरह हैं, इसमें भी काफ़ी तरह की बर्फियाँ हैं। ये पूरा काउंटर खोआ के आई है। और डोडा बर्फ़ी है, डोडा बर्फ़ी ये दूध की बनती है, सुबह चढ़ती है भट्टी में और शाम को उतरती है। ये प्योर घी की होती है, यानी 10 से 12 घंटे में ये बन पाती है। 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और हम लोग देख पा रहे हैं तिल के लड्डू हैं, मूंग दाल बर्फ़ी है, पेड़ा है, मिल्क केक है, बटर पेस्टी है। बटर पेस्टी, ये थोड़ा सा, ये बटर पेस्टी बिल्कुल अलग टाइप से बनाई हुई है, है ये खोआ की ही, इस पर काजू भी लगता है, ये काफ़ी पसंद करती हैं आगे लोग जी। इधर तिल की बर्फ़ी, पिन्नी है। ये पिन्नी जो होती है वो उड़द की दाल की होती है, घी में ही बनती है, काफ़ी टाइम लगता है, बढ़िया होती है। ये अलग टाइप की, ये हर कोई नहीं बनाते हैं, जैसे डोडा बर्फ़ी और पिन्नी वगैरह। अच्छा, और हम देख पा रहे हैं जो खोए की मावे वाली बर्फ़ी है, चॉकलेट है, और मैंगो बर्फ़ी। ये मैंगो बर्फ़ी हमने बहुत कम जगह देखी है। ये मैंगो बर्फ़ी और केसरिया बर्फ़ी हम लोगों के यहीं मिलेगी, हाथ में शायद और किसी पर ना हो। मैंगो बर्फ़ी में इसमें मैंगो का टेस्ट रहता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सोन पापड़ी हम दो तरह की के देख रहे हैं। ये सोन पापड़ी तो वो ये जो रेगुलर सबके यहाँ मिलती है, हमारे यहाँ जो होगी वो ड्राई फ्रूट सोन पापड़ी और है, जो कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और ये पीसेस में अलग टाइप के साइज में है। हाँ, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता तीनों चीज़ लगती हैं सोन पापड़ी। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आपकी जो खोए से निर्मित मिठाइयाँ हैं, लगभग वो 300 रुपये की रेंज के इर्द गिर्द हैं, 320 और कुछ 340 या लगभग इस रेंज के इर्द गिर्द ही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो ये हम देख पा रहे हैं आपकी, इसकी रेंज है आपकी जो है जी काजू। हाँ, ये काजू की पूरी एक बढ़िया रेंज है, जो हाथरस में किसी के पास नहीं है इतनी रेंज, जिसके लिए कस्टमर बाहर जाता था। अब उसी कस्टमर को हम यहाँ हाथरस में रोकना चाहते हैं कि ये कस्टमर को अलग कुछ मिले और पूरी रेंज देखे काजू की। अच्छा, बर्फ़ी में हम देख रहे हैं काजू की रेंज में बादाम बर्फ़ी है, काजू पान है, काजू अंजीर कसाटा है, काजू कतली है, काजू सेब है, काजू लीची है, काजू कलस है आपका, काजू गुजिया है, काजू पिस्ता बर्फ़ी है, काजू गुलाब है। काजू गुलाब देख पा रहे हैं, काजू गुलाब एकदम यूनिक चीज़ है। ये काजू गुलाब बिल्कुल अलग ही बनाए हो, बिल्कुल गुलाब की तरह है, ये हाथस में किसी के पास नहीं, ये बाहर की रेंज है, यहाँ कहीं नहीं किसी पर मिलेगी। और दूसरी ये काजू जलेबी और है, बिल्कुल जलेबी की तरह है और काजू की बनी हुई है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं काजू पाकीजा भी है, काजू रोल भी है, काजू चॉकलेट बाइट भी है, ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, काजू कटोरी है, और चॉकलेट वाइट है, अंजीर चक्र है, यानी बहुत सारी एक बड़ी रेंज है काजू की। काजू में एक और है काजू लीची, बिल्कुल लीची की तरह बनाई हुई है। सेब आप एक बार देखें, बिल्कुल काजू की ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल, यानी कि एक जो टेस्ट आता है वो सबसे पहले जो क्या कहते हैं चीज़ को देखने में आता है। आदमी मुँह में रख के तो उसका स्वाद बाद में जानता है, लेकिन जो देख के एक अंदर से जो एक इच्छा जागती है कि इस चीज़ को खा के या हमें स्वाद को चखना है, वो चीज़ देखते हैं। और हम लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, और ये जो आ गई वो छेना की मिठाई आ गई सब, ये पूरी छेना है, और छेना के अंदर एक हमारा वैलेंटाइन कप और है। वैलेंटाइन कप एक अलग ही है, बिल्कुल छेना है, छेना के ऊपर मलाई है, मलाई को डिजाइन करके हुए, ये काफ़ी पसंद है हाथर में, ये हाथर में किसी के पास नहीं है, ना मलाई रोल है किसी के पास और वैलेंटाइन कप। मलाई रोल में भी ये, मलाई रोल किस चीज़ से बनता है? ये मलाई का ही है और संग में खोआ लगता है। खोए और मलाई की, और वैलेंटाइन कप में क्या होता है?
ये छेना बनता है, छेना के ऊपर मलाई है, मलाई के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर रबड़ी भी हमें दिख रही है, रसमलाई भी दिख रही है, और खीरकंद है, खीरकंद और राजभोग और सफ़ेद रसगुल्ला, इनका साइज हाथ में सबसे बड़ा है हम लोगों के पास, जो दिखे अलग ही दिखता है। खीरकंद तो बहुत बढ़िया टेस्ट का आइटम है, जिसमें फीलिंग अंदर काजू बादाम की भरी होती हैं। ये है मलाई रोल। बिल्कुल मलाई रोल है ये। हम लोग इसको स्वाद को चखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है खास। ये वैलेंटाइन कप है जी, ये बिल्कुल यूनिक चीज है। यूनिक में ये मिट्टी का पात्र है, मिट्टी के पात्र में ये मिठाई सर्व की जाती है। चलिए हम लोग टेस्ट करेंगे और अभी जानेंगे, अभी इसको स्वाद को चखेंगे। और अभी हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ये और देख लें, ये गुलाब जामुन है, गाजर हलवा है। ये गुलाब जामुन और गाजर बिल्कुल हम लोगों के बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, पर डे मिलेगा, बिल्कुल ताज़ी मिलेगा, चाहे कस्टमर लौटें लेकिन ताज़ी मिलेगा जी। बिल्कुल। और ये आपके जो है क्या कहते हैं, स्नैक्स टाइप की चीज़ें, ये समोसे हैं जो मिनी समोसे हैं, मिनी घस्ते हैं, मिनी मठरी हैं, ये काफ़ी पसंद करते हैं लोग यहाँ के नाश्ते के लिए। एक हम लोग आपके यहाँ का समोसा जो देख रहे हैं, जो आलू समोसा होता है, वो भी थोड़ा साइज, एक तो बड़े साइज में, और क्या क्या इसमें खास है? इसमें समोसे के अंदर काजू भी है और किशमिश भी है, पनीर भी है, इसलिए हमारा समोसा हाथरस में बहुत फेमस है, साइज भी बड़ा है। बिल्कुल। चलिए अभी हम लोग देख पा रहे हैं ढोकला, यहाँ पे ढोकला भी एक बहुत अच्छी डिश है, लोगों को पसंद आती है, यहाँ पे ढोकला भी मौजूद है। हम लोग सबसे पहले टेस्ट करके देखेंगे, जो आपका मलाई रोल है उसको टेस्ट करते हैं, मलाई रोल को टेस्ट करके अभी बताते हैं क्या कुछ खास है। देखिए टेस्ट करने को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब कुछ टेस्ट किया जाए, हर चीज़ का स्वाद चखा जाए, इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग जो थोड़ा यूनिक चीज़ दिख रही हैं उनको टेस्ट एक बार करके, स्वाद को चख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मलाई और क्रीम है इसमें, और इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, बहुत ही टेस्टी है ये। और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे आसपास रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार इसे टेस्ट जरूर करें, बहुत यूनिक चीज़ है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। और वैसे ओवरऑल जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया, और खाने पीने की चीज़ें बहुत ही उम्दा हैं। यानी कि हम लोगों ने नाश्ता भी टेस्ट किया, जिसमें बेड़ई पूड़ी था आपका, जो है क्या कहते हैं खस्ते थे, और जलेबी था, और साथ में आप ये मिठाइयाँ जो आप देख पा रहे हैं, वाकई में जो नाम है मिठास, वो बिल्कुल इसमें चरितार्थ हो रहा है, बिल्कुल एकदम साबित सा हो रहा है कि मिठास वाकई में यहाँ की सारी डिशों में बहुत ज़्यादा मिठास है। ये देखिए काजू रोल, काजू गुलाब है, इसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए बिल्कुल गुलाब की शेप का है, देखने में लग रहा है कि एक गुलाब का फूल है जो खिला हुआ है, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ गुलाब का फूल, और ये काजू से बना हुआ है। इसको भी हम लोग अभी चखेंगे, इसके स्वाद को, इसकी मिठास को चखेंगे। और काजू की ये स्पेशल डिश है, यानी कि ये काजू से बनती तो बहुत सारी डिश हैं, लेकिन ये कुछ खास दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है। वाकई में काजू से निर्मित बहुत सारी मिठाइयाँ हम लोगों ने खाई हैं अपने इस इंडियन जायके के सफ़र के दौरान, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है। एक तो ये देखने से इतना खूबसूरत लग रहा है, और खा के तो बिल्कुल अलग सी मिठास एकदम मुंह में पूरे में घोल दिया। हमें नहीं लगता अगर इसको कोई बहुत ज़्यादा खा पाएगा, थोड़े से ही मन आत्मा तृप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस मन भर गया। बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत ही खास है। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि एक बार आएँ यहाँ पे, यहाँ के इस मिठास को जो है ज़रूर, इस जो मिठास से जुड़े स्वाद को है ज़रूर एक बार टेस्ट करें। तो आज आपने जाना हाथरस के चिंताहरण मंदिर के पास स्थित गौरी मिठास स्वीट हाउस की कितनी है मिठास। मिठाइयों को से लेकर हमने आपको वहाँ के नाश्ते को टेस्ट कराया, आपको उसका जो है क्या कहते हैं स्वाद आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें। साथ ही अगली बार हम अपने अगले एपिसोड में इसी तरह की किसी और जगह आपको लेकर चलेंगे और हम आपको टेस्ट कराएंगे वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों को। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रेनबो ब्यूटी पार्लर आपके शहर हाथरस में सबसे बेहतरीन सर्विस उपलब्ध कराने वाला पहला ब्यूटी पार्लर, जहां अनुभवी मेकअप एक्सपर्ट से आपकी ब्यूटी को अलग निखार एवं दिलकश अंदाज दिया जाता है। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग,
हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हर प्रकार का मेकअप, स्किन पॉलिश, मेनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, बेबी कटिंग, पिंपल्स एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। रेनबो ब्यूटी पार्लर हाथरस। हमारी फर्स्ट ब्रांच है फर्स्ट फ्लोर कोमल कॉम्प्लेक्स हाथरस। दूरभाष नंबर 9927918752 एवं 9690968976। हमारी सेकंड ब्रांच है बेसमेंट शांति मार्केट बागला मार्ग हाथरस। दूरभाष नंबर 9927148122 एवं 7017937470। रेनबो ब्यूटी पार्लर हाथरस।